हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए एक नई टॉपिक लेके आई हूँ, उन्हीं कपड़ों को कैसे करें स्टोर। ये है पांच सही तरीके। पहले तो फ्रेंड, अगर आप नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सारी नई अपडेट मिलती रहें। सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों की देखभाल जितनी ज़रूरी होती है, उतनी ही ज़रूरी उन्हें अच्छे से स्टोर करने की भी होती है। हाउ टू स्टोर वूलन क्लॉथ। अब भी उत्तर भारत में कई इलाकों में अच्छी खासी सर्दियां पड़ रही हैं, हालांकि अन्य हिस्सों में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ दिनों के बाद पूरे देश में ही विंटर का मौसम और साथ ही साथ ऊनी कपड़े भी अगले साल के लिए विदा हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों की देखभाल जितनी ज़रूरी होती है, उतनी ही ज़रूरतें उन्हें अच्छे से स्टोर करने की भी होती है, ताकि अगले साल भी वह बेहतर स्थिति में मिले। ऊनी कपड़ों को कैसे स्टोर किया जा सकता है, हम बता रहे हैं आपको ये पांच तरीके। नंबर एक, उन्हीं कपड़ों को जिस भी अलमारी या बॉक्स में स्टोर करना रखना चाहते हैं, पहले उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें, फिर उसे धूप खिला लें। अब बॉक्स में नीम की सूखी पत्तियां बिछाकर उन पर अखबार रख दें, इससे उन्हीं कपड़ों पर कभी नमी नहीं रहेगी। नंबर दो, स्वेटर को सेफ रखने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि उसे मलमल के कपड़े में लपेटकर, इससे भी स्वेटर में नमी नहीं आएगी। नंबर तीन, ऊनी कपड़ों को जब भी आप अलमारी में रखें तो बीच बीच में साबुन कुछ रैपर भी रख दीजिए, उससे इससे ऊनी कपड़ों में नमी नहीं आएंगी। नंबर चार, ऊनी कपड़ों को अगर लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो नेथलीन की गोलियों को छोटी छोटी पोटली बनाकर इन्हें अलमारी या जिस बॉक्स में ऊनी कपड़े रखे गए हैं उसमें कोने कोने में रख दीजिए, इससे कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। नंबर पाँच, एक तरीका यह भी है कि चार पांच लॉन्ग लेकर कपड़े की पोटली में उनका पाउच बना लें। ऐसे कई पाउच बना सकते हैं। इन पाउच को अब अलमारी या उन कपड़ों के स्टोर बॉक्स में कोने कोने में रख दीजिए, इससे उन्हीं कपड़ों में कभी बदबू नहीं आएगी। यह भी ध्यान रखिए, उन्हीं कपड़ों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, अब उन्हें धूप में सुखा लीजिए, इसके बाद ही स्टोर कीजिए। ऊनी कपड़ों को थोड़े थोड़े अंतर पर धूप भी दिखाना चाहिए। फ्रेंड, ये रहे आपके लिए पांच टिप्स। अगर आप इन सारे टिप्स को अपनाते हैं तो आपके ऊनी कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना उसमें नमी आएगी और ना ही उसमें स्मेल आएगा। फ्रेंड, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।